थोड़ी गुप्ता जी भारत माता की जय। जो नारियल टूटते रहे एक पन्नी में लेते रहो पॉलिथीन में उसी में डालो प्रसाद बनता रहेगा ना। आप ही घोड़ा जी दिल्ला जी आप ही घोड़ा आप पड़ो सर जी ये बेटो माता जी रुको ये हटाने से हाथ में लग जाएगा सब पीछे डाल दो आओ गोपाल जी जी अध्यक्ष महोदय हमारे जिला अध्यक्ष यही है यही है गोपाल जी यहाँ के RW के हैं तो महेश संतोषी किधर है लो सर ये फूटना चाहिए और कौन बचे सर चलो जी फोड़ो जी फोड़ो त्यागी है क्या त्यागी जी सो रहे हैं जी चल हमारी बहन तोड़ रही है ये बिल्कुल बहन तोड़ रही है हेलो ना आप आगे जाओ ना फोड़ो जी फोड़ो अरे मैं थाली में आता हूँ थोड़ा कैसे की जाऊँ आओ बढ़ा दिया आओ बढ़ दिया आ जाओ अरे आप ना आए चर्च से आओ चर्च से आओ हो गया सर हो गया अरे सर चलो नारियल जी को तो बाबू जी लो ताली आपका नाम करा रहा है कोई बात नहीं हमारे नाम का एक बाबूजी जय श्री राम तो नहीं देख आप रहे आप रहे अभी तो आपने गोपाल जी तोड़ लिया सुनील गुप्ता ही तोड़ेंगे मेरी तरफ से आप दोनों तोड़ हाथ लगाओ हाथ लगाओ चलो ही चलो राजकुमार ढिल्लो राजकुमार ढिल्लो राजकुमार ढिल्लो राजकुमार ढिल्लो गणपति महाराज की जय। सामने देखिए बेटा जी दादा कोई दत्ता को इधर देख के गोपाल जी गाने तो ना भाई साहब हमने हर कोई तालवीर बाबा साहब जी हमारे सामने देखिए थोड़ा आप सामने देखिए बटन क्या है और पहले भी आप पास में बच रहे हैं तो इसका क्या काम करेंगे आप जनता को इससे क्या फायदा होगा देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो मेरा वार्ड है 213 कल्याणपुरी ये शांति से होटल रिसोर्ट कॉलोनी है और सात झुग्गी कैंप है। इस रिसोर्ट कॉलोनी को मैं पूरी तरीके से स्वच्छ और हरियाली युक्त बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है और यहाँ के सब लोगों को पता है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है और हरियाली होती है वहाँ के लोग भी और बच्चे भी बड़े बुद्धिमान निकलते हैं पढ़ाई लिखाई में अव्वल होते हैं और बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि अपने पूरे वार्ड को हरा भरा बनाऊँ उसमें कारपेट घास पूरी तरह से हरियाली। अभी एक हफ्ते बाद मैं कमल के फूल का भी उद्घाटन करने वाला हूँ। मेरे वार्ड में मैंने 4 कमल के फूल के पीछे प्लांटर बनाए हैं तो कमल के फूल का भी मैं उसमें उद्घाटन एक हफ्ते के अंदर करने वाला हूँ। तो जब इस रिसेटलमेंट कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी में जहाँ टोटल रिसेटलमेंट कॉलोनी है झुग्गी झोपड़ी है
वहाँ पर जब हरियाली युक्त तो वातावरण होगा, कारपेट घास होगी, पार्कों में कमल के फूल हकीकत में खिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस कल्याणपुरी की तुलना कनॉट प्लेस से बहुत जल्दी होने लग जाएगी, लोग करने भी लगे। कितना खर्चा है? देखो खर्चा तो अभी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, आपको पता है हमारी कॉरपोरेशन थोड़ा तंगी से जूझ रही है, लेकिन जितना भी बजट हमें मिल रहा है वो थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं। इस पार्क में जो केवल घास घास का है वो 1 लाख के आसपास है। आपने बताया झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है और काफी मतलब लोग खास भी हैं यहाँ पे, मेंटेनेंस के लिए क्या आपने इंतजाम किया? नहीं, किस चीज़ का मेंटेनेंस? घासों के लिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर से वही स्थिति हो जाएगी। नहीं, उसके लिए हमारी RW आपने जो हमारी RW है ना जी, RW हमें बहुत अच्छा सहयोग कर रही है कई पार्कों में। आप हमारा 17 ब्लॉक का पार्क देख लीजिए, राजेंद्र धवन जी यहाँ पे खड़े होंगे, उन्होंने पार्क को संभाला, बहुत अच्छा बनाया है। इसी तरीके से 20 ब्लॉक का सेंट्रल पार्क, वो बहुत अच्छा RW बना रही है। अधिकतर ऐसे होता है, 14 ब्लॉक काम तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ऐसी थी वही हो जाती है। अभी तक दिक्कत यही आ रही थी कि मैंने काम बहुत किया लेकिन संभालने वाला नहीं था, लेकिन अब RW आगे आ रही है, लोकल लोग आगे आ रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है देखने को। हाल ही में अभी दिल्ली सरकार का बजट पास हुआ, उसमें क्या लगा आपको NCD के लिए कुछ आया? वो तो आपको पता ही है, सबको पता है कि जो केजरीवाल की सरकार है वो केवल दिखावे की सरकार है और उन्होंने केवल राजनीति करनी है, कुछ नहीं उसमें MCD के लिए। धवन जी बताइए, अभी हाल ही में निगम पार्षद जी ने आपके क्षेत्र में कारपेट घास लगा दिया, कुछ अनोखा ही काम हुआ है आपके क्षेत्र में, तो आपके लिए इसके लिए क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं? आप नहीं, इसमें जिम्मेवारी हमारी है क्योंकि प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया और जो हम RW वाले हैं इनको अपना काम करना है। प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग मिलता है, खासकर जी का हमें बिल्कुल निजी तौर पर सहयोग मिलता है, और 17 ब्लॉक में भी इन्होंने बहुत अच्छा वो बनाया है, 20 ब्लॉक में भी बहुत अच्छी, और आज जो है 15 ब्लॉक में भी इनके माध्यम से इस पार्क का कर्म द्वारा मतलब क्रियाकलाप किया गया है। तो आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल,